सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। सड़क के किनारे जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। कुछ देर बाद ये एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। खास बात यह है कि आप जब इनको देख रहे होंगे तो कुछ लोग इस भीड़ में ऐसे भी हैं जिनके सर पर एक खास प्रकार की टोपी लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि इसमें से कुछ लोग मुस्लिम भी हैं। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का बताया जा रहा है। जब PFI को भारत में बैन किया गया, उसके बाद ये जश्न मनाया जा रहा था और जितने भी लोग इस वीडियो में, इस भीड़ में नजर आ रहे हैं, सारे मुस्लिम हैं और इनको इतनी ज्यादा खुशी हुई कि सड़कों पर निकल आए, इसके बाद एक दूसरे के गले मिले, आतिशबाजी की खुशी के मारे और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और खुशी जाहिर की कि आखिर PFI बैन हो गया। इसके साथ ही ये लोग ये भी मांग कर रहे थे कि जो PFI से जितने भी जुड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये एक तस्वीर है जहां पर मुस्लिम लोग ही मांग कर रहे हैं कि PFI के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है वो सही हुई है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं जो PFI के बैन होने का विरोध कर रहे हैं, और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है, वही मुस्लिम समुदाय देखिए किस तरीके से PFI के बैन होने पर जश्न मना रहा है। इससे साबित होता है कि भारत का हर मुसलमान ये नहीं चाहता है कि आतंकवाद फैले, या फिर ये नहीं चाहता है कि भारत के अंदर ही आतंकी साजिशें हों। कुछ मुसलमान है या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको लगातार बढ़ावा दे रही हैं और उन्हीं की वजह से ही देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। PFI के बैन होने के बाद से ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, देश से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर जश्न मनाया गया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां थी PFI की, उसको बैन ही होना चाहिए था। क्या अभी आपको लगता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं? इस तस्वीर को देखने के बाद भी, इस तस्वीर को देखकर आपके दिमाग में क्या आया, आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा।